जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा पार्ट वन है ये कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहाँ पे रिलीज किया जाएगा सब्सक्राइब दिस चैनल बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पर आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा फॉर नाउ टेक द प्रिंट आउट सिट विद एंड विदेंटिड लेट्स बिगिन ये वाला जो करंट अफेयर इसलिए हाईलाइट हुआ मतलब हमने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ये जो आपका पेज नंबर सेवन पे है ट्वेंटी थर्ड नवंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसको इस ये मतलब आया इसलिए था कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है उनका एक डेटा आया था कि कितने परसेंट प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है और कितने परसेंट प्रोजेक्ट्स कहाँ पेंडिंग है राइट तो एफिकेसी क्या रहेगी इस मिशन की उसके ऊपर कमेंट आया था राइट तो इसलिए हमने हमको पूरा देखना पड़ेगा कि मिशन क्या है है ना और अगर आपने किसी भी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है फॉर दैट मैटर तो क्या क्राइटेरिया रहेगा उसका ये वाला टॉपिक यहाँ पे डालने का एक ही मकसद था दैट इफ वी वांट टू डेवलप समथिंग और एंड वी वांट टू लेबल इट एज स्मार्ट है ना स्मार्ट सिटीज तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को है ना कि उस आप अगर आप सेकेंड पॉइंट देखेंगे तो वहां लिखा है टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ राइट right? अब ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स हैं व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ राइट तो उसको मेजर करने के लिए हमें हमेशा क्वान्टिफाई करना पड़ता है चीज़ों को यही हम आपसे सब्जेक्टिव आंसर्स में भी चाहते हैं बाय द वे कि एक एक सब्जेक्टिव सा टॉपिक दे दिया है ना और आपसे रोड मैप आप बनाने को बोल दिया डिस्कस करने को बोल दिया सोल्यूशन मांग लिया कुछ भी कर लिया तो अल्टीमेटली उसके पीछे मकसद ये रहता है हमारा कि आप किसी तरह उसे क्वान्टिफाई करो जब हैप्पीनेस मेजर हो सकती है उसका एक इंडेक्स बन सकता है तो ये तो फिर भी स्मार्ट सिटी है तो आप ना पहले स्टार्टिंग में लिख लीजिए डेटा लिख लीजिए ये नवंबर थर्ड तक का डेटा है मतलब लेटेस्ट वही आया छह महीने बाद आएगा ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स ट ऑफ दोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो हमने 100 स्मार्ट सिटी सिलेक्ट करी थी उसके अंदर कुछ 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 प्रोजेक्ट्स बनेंगे कि यहां पे साइकिल ट्रैक बनना है यहां पे यह बनना है यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है यहां पे स्कूल बनना है यहां पे यह बनना है तो वो उन उन प्रोजेक्ट्स का ट्वेंटी टू परसेंट और बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो है दैट इज क्लोज टू एट है ना और ट्वेंटी ऑफ एट कितना हुआ कितना हुआ लगभग 1800 सो समथिंग यही है ना 17 सेवन हा लगभग इतना है ना तो इतने प्रोजेक्ट्स हमारे लिखे आगे दैट अकाउंट फॉर 33 थ्री परसेंट दैट अकाउंट फॉर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट स्टिल गोइंग ऑन अ फैंसी वे टू राइट स्टिल पेंडिंग और जो टोटल कॉस्ट थी आपके प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट की गई थी दैट वाज 1.70 लाख करोड़ रुपीस राइट और कितना हुआ फिर 33 परसेंट ऑफ 1.70 लाख करोड़ 1.70 लाख 57 57 के आसपास, है ना? 50, समथिंग, हाँ. तो इतने के प्रोजेक्ट अभी स्टिल पेंडिंग है दैट्स वाई हमको इस मिशन को एक्सटेंशन देनी पड़ी है जो जिसकी वजह से न्यूज आई थी ये वाली। इफ यू सी द डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज वाला जो मिशन एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लॉन्च इन राइट right? और ये इसको फिर से एक्सटेंशन दी गई है और लास्ट में आप देखेंगे देर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स इन फाइव इयर्स फ्रॉम देयर टू फिनिश ऑल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स तो नेक्स्ट ईयर बोला एक्सटेंशन दी है और बोला कि प्रोजेक्ट सारे खत्म करो नाउ लेट अस सी कि स्मार्ट सिटीज का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या है लेट्स लेट्स राइट डाउन क्या लगता है आपको वैसे मतलब ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर अगर जैसे हमने सेकेंड लाइन जो पढ़ी है इसकी टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ये स्मार्टनेस की बात की हुई है इसके अंदर है ना मतलब स्मार्ट सिटी में व्हाट इज स्मार्ट इज दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी ड्राइव कर रहे हो है ना यू आर ड्राइविंग फॉरवर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ साथ साथ में आप क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव कर रहे हो अब मुझे बताओ कि क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इसके अराउंड सोच के देखिए ठीक है और ये हाँ ये मतलब आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया ये वाला इंडस्ट्री आपका मतलब प्योरली इकोनॉमिकल आ गया इसको थोड़ा सा और किसी और एंगल पे लेके जाओ बेसिक ठीक है कैसे करोगे इसको सब्जेक्टिव नहीं लग रहा आपको ये वेना ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए कोई डिसग्री नहीं करेगा फिर मैं पूछूंगा कैसे होगी एक स्मार्ट सिटी है उसमें उस मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करूँ हाँ एब्सोल्युटली सिटीज में गवर्नेंस की बात है तो अगर सिटी को हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो गवर्नेंस कैसी गवर्नेंस होगी ई गवर्नेंस और बेसिकली उनको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा सेल्फ गवर्नेंस तो ये इसका एक बहुत कोर एलिमेंट है लिख लो गुड गवर्नेंस इज द टर्म स्पेशली मेंशन करके ई e गवर्नेंस और जब हम गुड गवर्नेंस और ई e गवर्नेंस की बात करते हैं ना बट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि क्यों ये होता है क्यों ये अच्छी चीज़ है इस बिकॉज इसके अंदर ना वी कैन इंश्योर सिटीजन्स पार्ट आपकी पार्टिसिपेशन राइट right? तो इसलिए ये चीज़ बेटर होती है कि जब सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे राइट right? तो आपके डिसीजन में फिर वो खुश भी रहेंगे बाद में जैसे पहले जाते थे ना आप लोग वो आपको खैर नहीं जाते होंगे वो टाटा सुमो वगैरह करके जाते होते थे इकट्ठे कि इनको भी बुला लिया उनको भी बुला लिया डिसीजन एक बंदा लेता था कि कहां रुकना है कहां जाना है कब जाना है कैसे जाना है तो परिवार कितना ही खुश रहता था अब आप देख लो राइट right? मुझे अपने सारे ले जाओ पीछे ही रख लो हेल्थ एंड एजुकेशन यहां पे किसी ने बोला था ये पॉइंट हाँ हेल्थ एंड एजुकेशन आप ये और और क्या होगा सोचो किसी स्मार्ट सिटी में गए हो एक में रह रहे हो आप ऑलरेडी प्लानिंग प्लानिंग किस टाइप की वो तो पहले ही हो रखी है ना यू कैन नॉट चेंज लेआउट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलना चाह रहे हो चंडीगढ़ हम्म वो, है कि आप जैसे तो में वो तो गुड गवर्नेंस में आ गए वैसे yeah, policy. हाँ वो पॉलिसी और वो गुड गवर्नेंस में आपने जब ई e गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात करी है वो उसमें कवर हो जाएगा कैसा लगेगा अगर बार बार लाइट जाती रहे बेसिक बिल्कुल बेसिक कि आप पहले बेसिक पूरा कर दो ना एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी हाँ, आज के टाइम में अगर आप स्मार्ट बोलना चाह रहे हो खुद को तो दैट इज परफेक्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है लिख लीजिए ये वाला क्या बोला आपने बच्चे हाँ आईटी कनेक्टिविटी रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन अपने ई गवर्नेंस जब बोली दिया उसको एनेबल करने के लिए हमें नेटवर्क देना पड़ेगा इनफैक्ट डेली जब मैं डेली में इलेक्शन हुए थे एक समय पहले तो उन्होंने ऐसे फ्री वाईफाई वाली एक एक बात कही थी उसका कोर यही था कि जब आपकी सारी सर्विसेज ऑनलाइन आप कर रहे हो लेकिन एक्सेस करने के लिए वो है नहीं वो फ्री वाईफाई का मतलब ये नहीं था कि आप बैठ के यूट्यूब देख पाओगे उसका मतलब ये था कि आप उस वाई फाई से पर्टिकुलर गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो अपने फोन से या अपने डिवाइसिस से राइट और, और क्या बताया था एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया और क्या चाहिए होता है बेसिक घर पे वाटर, एश्योर्ड वाटर सप्लाई एडिक्वेट वाटर सप्लाई इसके साथ में एक और चीज लगती है यस कितना इजी है किसी सिटी को स्मार्ट बनाना और ये है नहीं है ये चीजें सैनिटेशन इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परफेक्ट यस सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एक मेजर पार्ट है इसका और जो बच्चे लास्ट में आपने पॉइंट बोला था ट्रांसपोर्टेशन uh, वाला दैट इज आल्सो अ मेजर पॉइंट जितना ज़्यादा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोबस्ट होगा uh, उतनी ज़्यादा आपकी सिटी डेवलप करती है लिख लीजिए एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे ना वो आपको इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होता हुआ दिखेगा यही एरियाज़ हैं बस एक बार मतलब कोई पिछड़ा हुआ इलाका है उसको मेन से कनेक्ट कर दो मेन को कैसे डेवलप करना के है। है थ्रू आपको समझ में आएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाइप वेस्ट डिस्पोजल डिस्पोजल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन परफेक्ट परफेक्ट एक चीज आप मिस कर रहे हो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पहुंच जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर चीज को एक्चुअली एनेबल करती है कि आप जा पाओ एक्चुअली बाहर अगर कोई मिसहैप हो रही है आप, आपके पास कोई आ जाए आपको हेल्प करने लॉ एंड ऑर्डर है ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजेंस और इसके अंदर हमारा जो टारगेट ग्रुप रहता है पर्टिकुलरली विमेन एंड वीमेन एल्डरली एंड चिल्ड्रन एंड लास्ट वन इज ये थोड़ा सा मतलब क्योंकि आप अभी उस स्टेज पे नहीं हो कि आप इस एंगल पे सोचोगे अफोर्डेबल हाउसिंग जब तक आपका रेंट कोई और भरता रहेगा आप नहीं सोच पाओगे इस तरफ को इसके अंदर आपने मिनिस्ट्री नोट कर रखी है यहां पे लिखी हुई है कहीं पे मिनिस्ट्री लिख लीजिए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और एक जो आपके पी सी एस एच सी एस में सवाल आ सकता है टॉप सिटीज जिन्होंने स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के जो ये प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं वो लिख लीजिए टॉप सिटीज इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एच सी एस वाले पूछते हैं सर सवाल और आपको बस एक ऊपर के तीन याद रखने की जरूरत है इस किसके अंदर अंदर ही सवाल आएगा अगर आएगा तो हिमाचल वालों ने 2017 से लेकर 2021 तक रेगुलरली ये सवाल पूछा था इस टाइप का और ये इजी कैटेगरी में आता है सवाल अगर आपने देख रखा हो इसको वैसे ये स्टेटमेंट तो हर सवाल के लिए ट्रू है <laughs> पर पर्टिकुलरली ये नंबर वन इज सूरत और ब्रैकेट में गुजरात लिख लेना स्टेट वाइज पूछ सकते हैं वो स्टेट पूछ लेंगे आपसे या तो बाय द वे ये जो कैटेगरी है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट ये ना जस्ट फॉर योर रेफरेंस प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है ये नहीं मेजर हो सकता वो देखते हैं कि फंड्स कितने यूटिलाइज हो गए हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से होता है ये जस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं कि जब आपकी मीटिंग में आपको नीचे वाला एस आपका पागल बना रहा होगा ना कि ये लग गई जी उधर ये दीवार लग गई तो आप नहीं वो देखोगे आप सीधा ये देखोगे कि फंड्स कितने यूटिलाइज हो गए हैं है ना पैसे में चलती है चीज़ इसमें तो फंड्स यूटिलाइजेशन पे है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इंटरव्यू में अगर कोई फंसाए आपको तो निकल लेना पतली गली से कि कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन फंड्स यूटिलाइजेशन और इसके बाद में अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आपको पता है कि वंस यू प्लेज द पेमेंट इट इज़ सेड कि पेमेंट होगी है राइट right? कि आपको पैसे देने हैं और आपने खाते में लिख लिया गए नहीं गए वो अलग बात है पर वो ऐसे होता है कि आपके खाते में नहीं है अब है ना इट आपका लेजर अकाउंट और बैंक अकाउंट में फर्क होता है आप खुद अपने पार्ट पे अकाउंट मेंटेन करते हो सेकंड इज uh, आगरा कहाँ है ये दिल्ली किसने बोला है बस मुझे बता दो मैं कुछ नहीं कहूंगा दिल्ली बोला किसने मुझे एक बार ही बता दो बस बस ठीक है थर्ड इज अहमदाबाद और फिर दिल्ली कहाँ हुआ <laughs> ठीक है अहमदाबाद और फोर्थ इज वाराणसी वाराणसी किधर है एंड लास्ट इज भोपाल ये ये टॉप फाइव है भोपाल का है थैंक यू और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट हम कर ही क्यों रहे हैं एक लास्ट में ना आपके लिए मैंने कुछ कंपाइल किया था एक, एक स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेज नंबर सेवन पे बच्चे अगर आप देखेंगे नीड फॉर सच मिशन थर्टी वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज ठीक है एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि एक मेजर चंक आपका सिटीज में रह रहा है ठीक है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिक्सटी थ्री परसेंट ऑफ द जी डी पी टू दीडीपी ठीक है जी इसलिए शहरों पे पैसा भी ज़्यादा लगता है है ना आउटपुट वहाँ से ज़्यादा आ रही है राइट और आपके शहर मॉडल्स भी बनते हैं एक तरह से और अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं कि जो शहर का मॉडल है वैसा सही अप्लाई हो जाए इसीलिए हम शहर को सस्टेनेबल बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर ग्रीनरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइट इफ दिस इज़ द वे फॉरवर्ड तो हमको इसको सस्टेनेबल करना पड़ेगा ठीक है बच्चे चले आगे आज वाले पे आ जाओ बच्चे थोड़ा आज वाला करते हैं अगर इसमें फिर भी लगा कुछ पेंडिंग है तो देख लेंगे आज वाला बहुत इंटरेस्टिंग है सर स्मार्ट सिटीज पे आपको ना मेंस पे क्वेश्चन आएगा हर साल आया है कुछ ना कुछ स्मार्ट सिटीज के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ आया है तो इसका कांसेप्ट क्लियर रखना आपस आप इसमें वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और इकॉनमी इन दो चीजों को मेल आपस में मिला रहे हैं किसी तरीके से इकॉमी इज प्योरली क्वांटिटेटिव है ना इकॉनमी कैन बी मेजर्ड पर कैपिटल इनकम कितनी है ये कितना है वो कितना है टैक्स टू जीडीपी डी रेशो ये वो एवरीथिंग इज क्वांटिफाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है है ना आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ नाइट लाइफ हो सकती है एट प्रेजेंट आपके पेरेंट्स के लिए नहीं होगी उनको आएगी साढ़े नौ बजे नींद उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कुछ और है लेकिन आपके पेरेंट्स की और आपकी वोट की वैल्यू वन ही है किसी की ज्यादा नहीं है किसी की कम नहीं है राइट तो एक ऐसा ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो सबके लिए सही हो तो स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट आपको एक अच्छा इंसाइट देता है ये सारी चीज़ में आइए बच्चे एक और डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है अभी रिसेंटली जिसको साइप्रस कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है तो एक तो बच्चे सीधा सवाल इसके ऊपर आएगा हिमाचल वाले खासकर कि साइप्रस कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट है ये किस किसके ऊपर आई है रिपोर्ट ये किसका सब्जेक्ट मैटर क्या है है ना तो आप देखिए इसमें इट हैज शेड लाइट ऑन द इंट्रीट वेब ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड वेल्थ कंसीलमेंट स्पेसिफिकली ये जैसे वो पनामा पेपर्स आए थे है ना उससे आप कुछ कुछ थोड़े थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लीक होता रहता है राइट तो सबका कुछ ना कुछ अलग होता है पनामा पेपर्स के अंदर ये था कि ऑफ आप आपकी प्रॉपर्टी कितनी है राइट प्रॉपर्टी की लिस्ट थी वो बेसिकली कि ये बंदे का नाम है ये फर्म का नाम है ये उसकी प्रॉपर्टी यहां पे है राइट होम कंट्री में नहीं डिस्क्लोज कर रखी क्यों ही करेगा वैसे तो सोचने वाली बात है जब ऑप्शन है कि वहाँ पे जाके राइट right? आप आप कर सकते हो तो नहीं करेंगे कोर में ही जब आपके चोर है तो आप, आप नहीं करोगे है ना और जहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ जाएंगे साइप्रस एक ऐसी ही कंट्री है राइट right? और इसमें अगर आप देखेंगे साइप्रस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये भी आपके एग्जाम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि व्हाट इज साइप्रस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इट इज नथिंग बट इट्स अ गोल्डन पासपोर्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय साइप्रस ठीक है जी इसके अंदर आपको किसने ये रिपोर्ट दी है वो देख याद रखने की जरूरत नहीं है राइट आप बस थोड़ा सा रिपोर्ट को आगे और देखिए और इसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे ना आप एक बार वैसे किस, किस की हो चुकी है इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट हो गया है बाकी होगा पेंडिंग है अभी इकोनॉमिक्स पेंडिंग, पेंडिंग है अभी ओके तो आप ये सारी चीजें समझेंगे अभी कि वॉट एक्चुअली इज टैक्स टैक्स के बारे में पता है ना टैक्स एग्जाम्शन भी समझ जाओगे है ना पर टैक्स है क्या ये बेसिकली टैक्स ना बच्चे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूं मैं ये पैसा कमा रहा हूं इसमें से मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बदले में आपको मुझे ये सर्विसेज देनी है है ना इस इस चक्कर में मतलब कोई मतलब एक हिंदी में वर्ड होता है कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड रखने की जरूरत नहीं है सरकार की तरफ है ना कि अरे सर थैंक यू यार सरकार आपने मुझे ये सर्विस दी है नहीं इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट आपने टैक्स दिया है वो आपको सर्विस दे रहे हैं है ना एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका सरकार के बीच में तो टैक्स बेसिकली वही चीज है तो जितना ज़्यादा टैक्स रेट आपका हाई होता जाता है जितना ज़्यादा आप टैक्स भरते जाते हो राइट और सरकार के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको सर्विसेज बेटर मिलनी चाहिए सर्विसेज बेटर नहीं मिलती तो फिर आपका एक वो टकराव होता है सरकार के साथ में है ना कि आपको सर्विस देनी चाहिए थी और सर्विस नहीं मिल रही है तो टैक्स का फंडा ये है अभी आप धीरे धीरे जब आप टैक्स भरोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों गालियां देते हैं लोग टैक्स को क्योंकि उन्हीं सड़कों से निकलना है है ना आप टोल भी भर रहे हो और आपने रोड टैक्स भी दिया हुआ है गाड़ी खरीदते हुए आपने रजिस्ट्रेशन टैक्स भी दिया हुआ है एन नंबर ऑफ टैक्सीज अ दे आप एक माचिस नहीं खरीद सकते बिना टैक्स के है ना यू कैन नॉट इवन बाय अ सिंगल मैच स्टिक विदाउट पेइंग अ टैक्स है ना तो हर चीज पे अगर टैक्स है तो वी रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्विसेज जैसे देर आर सर्टेन कंट्रीज जिनका एच बहुत हाई है उनका टैक्स रेट भी बहुत हाई है क्लोज टू फोर्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट पर उनका मेडिकल बिल नहीं है फिर है ना उनका मेडिकल बिल नहीं है उन, उनको ट्रैवल सस्ता है उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हर जगह रोड्स क्लीन है है ना तो ये टैक्स टैक्स एक डील है बेसिकली आइए बच्चे इसमें देखते हैं तो वहां पर आप समझोगे कि टैक्स है क्या एक्चुअली तो यहां पे साइप्रस और इंडिया का एक रिलेशन आपके सामने रखा है मैंने क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है साइप्रस ने हर कंट्री के साथ में इंडिविजुअली डील्स कर रखी हैं है ना तो इंडिया के साथ में भी साइप्रस की डील हो रखी है और ये 2013 से मतलब प्री 2013 टाइम से होते थर्टीन एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया साइप्रस रिलेशन में इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर राइट उससे पहले से भी होता आ रहा था लेकिन दो के बाद में इंडिया और साइप्रस में डायरेक्ट डील ही होगी थी और एंड ऑल्सो वी हैव अ डी टी ए डबल टैक्स अवॉयडेंस एग्रीमेंट राइट विथ साइप्रस आई बच्चे, सबसे पहले ना लेट्स राइट वॉट इज ए टैक्स हेवन टैक्स हेवन होता क्या है क्यों साइप्रस जैसी कंट्रीज ये काम करती हैं, राइट right? जैसे आपने मोरेशियस का नाम सुना होगा वो कौन से आइलैंड्स है कैमरून समथिंग आइलैंड्स है ना ब्रिटिश कुक आइलैंड्स है ना इनमें आपको इकोनॉमी कुछ प्रोड्यूस करती हुई नहीं दिखेगी लेकिन इनकी जीडीपी बहुत हाई दिखेगी आपको एंड एंड वी वी नो दैट मनी डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम रिसोर्सेज मनी का सीधा रिलेशन मटेरियल से है मटेरियल नहीं है तो मनी की कोई वैल्यू नहीं है राइट यू कैन नॉट ईट मनी कहने का मतलब ये है तो हम देखते हैं कि यार नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं है लेकिन इनकी जी डी हाई है राइट right? तो क्या हो रहा है ऐसा वो देखते हैं टैक्स सेवन देखते हैं इट इज अ कंट्री और जूरिस्टिक्शन इट इज अ कंट्री और जूरिस्डिक्शन समझ में आ रहा है ये हा दैट ऑफर्स लो और नो टैक्स लाइबिलिटी

और ऑपरेट देयर एक्टिविटीज देयर अच्छा यहां एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया था कि मतलब आपको ना सिर्फ कंट्रीज की लिस्ट दी जा सकती है एक है ना और पूछा सकता है कि ये इनमें कॉमन क्या है तो आप लिख लीजिए कि कौन कौन सी एग्जाम्पल एग्जाम्पल मेन मेन तो आपको पता ही है साइप्रस मॉरिशियस ये सब तो पता ही होंगे इसके अलावा लिख लो इसको नहीं पता वो भी लिख लीजिए साइप्रस मॉरिशियस लिख लीजिए एग्जाम्पल में पनामा आईलैंड्स लक्जमबर्ग एल यू एक्स ई एम बी यू आर जी के मैन सी ए वाई एम ए एन और इसी के नीचे ना कॉरपोरेट टैक्स सेवन लिख लो टैक्स सेवन में तो कोई भी जा सकता है इंडिविजुअल्स है ना कॉर्पोरेट टैक्स सेवन आर दी वंस जो कॉर्पोरेट्स को ही मोस्टली प्रेफर करती हैं कि यहां पे कॉर्पोरेट्स ही आए है ना तो दोज आर कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स सेवन थोड़ा रिसेंट टर्म है मैं ज्यादा पुराना नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स सेवन टैक्स सेवन इज अ वेरी ओल्ड टर्म ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड ये एग्जाम्पल्स ही लिखेंगे इसमें और केमेन आइलैंड्स को भी कॉर्पोरेट टैक्स सेवन भी कहा जाता है केमेन आइलैंड्स एंड बर्म्यूडा और ओईसीडी कंट्रीज में नाइनटीन ओईसीडी ने 1998 के अंदर एक चार पॉइंट्स का क्राइटेरिया दिया था जो कि मेरे को बहुत सही लगा आप आपको समझने के लिए कि अगर किसी कंट्री को या किसी जूरिस्टिक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये टैक्स सेवन है या नहीं है ना तो ये चार एलिमेंट्स होते हैं किसी भी टैक्स सेवन के अंदर लिख लीजिए क्राइटेरिया फॉर टैक्स सेवन कंट्री बाय ओ इन Nineteen eighty eight. Number one, Nil or nominal tax on income. टैक्स सेवन है तो पहली बात तो टैक्स ही बहुत कम है टैक्स रेट कम है सेकंड इज नो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन किसके बीच में सबके बीच में नो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थर्ड इज नॉन ट्रांसपेरेंट वो कंट्री ही नॉन ट्रांसपेरेंट होगी लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट नो सब्सटैंशियल एक्टिविटीज अक्कर जो मैं आपको बात कर रहा था कि इंडस्ट्री है नहीं उधर रिसोर्सेज भी है नहीं है कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है नो सब्सटैशियल एक्टिविटीज अक्कर एक और ना रेलिवेंट टर्म है यहाँ पे दैट इज ऑफ शोर ट्रस्ट है ना ये आपको उसमें पूछा जा सकता है प्री में आर ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग बेस्ट द टर्म ऑफ शोर ट्रस्ट है ना इसे घुमाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं लिख लीजिए ऑफ शोर ट्रस्ट दे आर दस्ट हुज प्रॉपर्टी And income are outside the country, comma, even the settler and beneficiaries, settler and beneficiaries are not. परमानेंट रेसिडेंट्स ठीक है और साइप्रस ने इसको ऑफशोर ट्रस्ट को अलाउ किया हुआ है है ना तो राधर दैन जफ आप आप शोर ट्रस्ट हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी और और किसी कंट्रीज में है है ना लेकिन आपने ट्रस्ट यहाँ का खोला हुआ है वो टेक्निकली वो कंपनीज बोलेंगे कि ये साइप्रस का ट्रस्ट है साइप्रस की उस एरिया का ट्रस्ट है तो राधर देन और आप आए भी नहीं हो कभी साइप्रस आप नहीं हो रेजिडेंट साइप्रस के सिर्फ आपने सेटलमेंट वहाँ पर ट्रस्ट खोल दिया वहाँ पर आप सेटलर बन गए हो सेट ट्रस्ट के अंदर सेटलर इज़ द हाइस्ट पोस्ट इफ़ एवरीथिंग फेल्स है ना जो भी आपके ट्रस्ट की लाइबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल लो ट्रस्ट ने कोई बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ एक ब्लड डोनेशन कैंप ही क्यों नहीं लगा दिया है ना उसके अंदर पैसा लगता है है ना क्योंकि आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए आपको वेन्यू चाहिए आपको टेंट ये सब के पैसे चाहिए एंड सारे ट्रस्टीज ने पैसा देने से कर दिया मना है ना कि नहीं है ट्रस्ट का अकाउंट भी हो गया जीरो सेटलर को पकड़ा जाएगा सेटलर हैज़ टू पे है ना सेटलर वो होता है हाईएस्ट पोजीशन होती है राइट right? तो आपकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं है ना और आपका वहां पे तो रेदर देन रेमिटिंग योर इनकम टू यर होम कंट्री आप यहाँ शो करते हो तो यहाँ पर टैक्स ही नहीं है अगर है भी तो बहुत कम होगा दो परसेंट तीन परसेंट रादर देन पेइंग थर्टी परसेंट तो दो या तीन परसेंट आपका होगा एंड एंड देट इज ऑल अब इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे कहीं पर इंडिया और साइप्रस का कुछ कि डी टी ए हाँ जी बच्चे सेकेंड लास्ट पॉइंट देखेंगे आप पहले तो ये देखिए आप कि यहाँ पे देर इज टैक्स एग्जैम्पन किस किस टाइप की ऑप्शोर कंपनीज वाली वो वहां पे मेंशन है बच्चे नेक्स्ट इज नो ए स्टेट ड्यूटी सरकार ने कम से कम वो बर्डन दिया हुआ है तो आप समझ रहे हो कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो एफडीआई में पैसा दिखाएंगे अपना सारा उस कंट्री को एफडीआई में पैसा दिखाना पड़ेगा तो अगर आप लोग भी चाहते कि एफडीआई ज्यादा है टैक्स हेवन बन जाओ एज सिंपल एज दैट लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें वट इज वट इज द प्रॉब्लम इन बींग टैक्स हेवन देर इज नो रियल ग्रोथ जब तक कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा तब तक ग्रोथ नहीं हो रही है, है ना तो चाइना से इसीलिए दुनिया थोड़ा सा डरती है चाइना इसीलिए सुपर पावर बनने की तरफ बहुत नजदीक है बहुत ऊपर है हमसे जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे प्रोड्यूस बहुत कुछ हो रहा है, है ना यू रिक्वायर थिंग्स आप भी इसलिए बातें कर पाते हो क्योंकि आपके पास पहनने को कपड़े हैं घूमने को गाड़ियाँ और ये सब है राइट right? जस्ट so आपको सर्वाइवल के ऊपर आपका ध्यान नहीं है यू नीड थिंग्स टू प्रोड्यूस क्स्ट हाँ गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है गवर्मेंस गवर्मेंस के के उससे पहले डी समझ लो कि व्हाट इज डीटी डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अभी तो मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं अनाउंस करूंगा इंडिया की सिटीजनशिप एनआरआई बन के रहूंगा यहाँ पे कोई नहीं रोकेगा है ना और मैंने अपने सारी सेटलमेंट शुरू कर दी है साइप्रस के अंदर मेरी सारी कंपनी साइप्रस में शिफ्ट कर दी है नाउ डी टी ए इज़ नथिंग बट वो ये बोलते हैं कि अगर मेरी ब्रांच यहाँ भी है वहाँ भी है तो मेरे को सेम चीज़ के लिए दो जगह टैक्स ना भरना पड़े है ना तो मेरी सर हम इंडिया ने और साइप्रस ने आपस में डील कर ली है तो मेरे को टैक्स रेट कम हो जाएगा दोनों जगह मैं भरूंगा दोनों जगह इंडिया में भरूंगा लेकिन इंडिया में मैं कॉर्पोरेट टैक्स तीस परसेंट नहीं भरूंगा जस्ट बिकॉज मैं डी टी ए के अंडर हूँ कि यार मैं साइप्रस में भी टैक्स भर रहा हूँ साइप्रस में फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट है है ना तो इंडिया का लोअर हो जाएगा तो मेरी फ्लाइट रुक जाएगी जो मैंने यहाँ से भागना था ना अपनी कंपनी को लेके और मैं पूरा ही अवॉइड करने वाला था है ना तो अब मैं नहीं करूँगा है ना इंडिया में रहूँगा मैं तो डी टी ए ये मतलब है अब आप सवाल पूछो क्या पूछ रहे थे रोकना है ना ये रोकने का तरीका ही तो हुआ आपने सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है कि वाई वुड वी वॉन्ट कि वो वहां जाए है ना तो मैं कैसे रोकू वो है टैक्स सेवन आई कैन नॉट स्टॉप साइप्रस फ्रॉम बीइंग टैक्स सेवन से हाँ है दूसरे केस के अंदर अगर मैं डी टी ए नहीं करूंगा अस एज्यूम कि हमारा किसी कंट्री के साथ में डीटीए नहीं है हु इज स्टॉपिंग द कंपनी फ्रॉम लीविंग इंडिया एंड गोइंग देयर व्हाट इज स्टॉपिंग देम राइट इंडिया के पास इंडिया कर सकता है ये चीज़ें बिकॉज थोड़ा सा सॉफ्टली डील करता है इंडिया स्टार्टिंग में किसी भी प्रॉब्लम को लेके देख लो है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सॉफ्टली ही डील होता है वो चली ही जाएगी अगर मतलब कोई कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का इफ आई वॉन्ट टू स्टॉप मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो और सही भी बोल रहे हो इट इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम इट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो हूँ राइट डी टी ए देखो एक बार उसको मल्टीपल जगह टैक्स भरना पड़ेगा अगर अगर हम डीटीए नहीं करेंगे ना तो उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा फिर पक्का है वो जाएगा डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट डी साथ साथ लिख लेना इसको जरा Hmm, कैसे लिखें इसको डी के अंदर बच्चे वैसे होता ये है कि आपका ना टैक्स रेट चेंज हो जाता है यू आर नॉट सब्जेक्टेड टू द सेम टैक्स लैब्स इफ यू आर कंट्री इफ यू आर अ कंपनी विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डी तो डी की अलग टैक्स लैब्स है ना तो आपको लिखिए अब आप लिखिए जरा इट इज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन टू कंट्रीज टू मेक अ कंट्री एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन समझ रहे ना? किस किस चीज की बात हो रही है हाँ एज वेल एज टू एनेबल एनआरआईस to get relief from having to pay multiple taxes, पचास तरह के टैक्स तो इंडिया में भी है ना तो आप तो वो सोच रहे हो कि हम अपनी मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा नैरो होकर सोच रहे हो कि हमारी यहीं की कंपनी यहीं पे ओरिजिन हुई है और वो वहां जा रही है हाउ अबाउट अ कंट्री जो कंपनी uh, जो बाहर से आ रही है हम्म एक्चुअली ये नाम है कंपनी का चेंजेस टू चेंज टू वाई हाँ हम्म कंपनी कहाँ यहीं यहीं इनकॉर्पोरेट हुई थी हम्म 4.5 उस केस में आप फॉल नहीं करोगे इसमें कंपनी हैज़ टू टेल कि मेरे को डीटीए में आना है वॉन्ट टू बी इन दैट पर्टिकुलर स्लैब डी टी ए की स्लैब्स अलग है लिखिए जरा डी टी ए डज नॉट मीन डी टी ए डज नॉट मीन दैट एनआरआई कैन कंप्लीटली अवॉयड टैक्सेस इससे क्लियर हो जाएगा होपफुली Can completely avoid taxes, but it means that they can avoid paying higher taxes in both countries. भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको डिटेल में समझाऊं लेकिन आपको पता है कि डी टी ए इज़ अ मेथड टू अवॉइड टैक्स इवेजन टैक्स इवेजन जो होती है ना उसको अवॉइड करने का तरीका है अदरवाइज जो आप बोल रहे हो ना कि वाई वुड इंडिया साइन अ ट्रीटी विद साइप्रस की ऐसा करना है हमने डी टी ए करेगा उनको पता है जब साइप्रस ऐसा है हमें पता है मोरिशियस ऐसा है बिकॉज इट इज़ ये बाधा है मतलब ये टैक्स इवेड होने नहीं देता ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट मैं उस पर ना जानपूझ के हाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली एक प्रूडेंट सोल्यूशन है उस चीज़ का एक देर इज अ टर्म कॉल डिडक्शन एट सोर्स है ना तो इसमें टी डी एस का रेट ही चेंज हो जाता है तो आपको लगभग उतना ही पड़ता है और आपका सारा मतलब यू नो आप आप लेजिटिमेटली बिजनेस कर सकते हो अपना है ना और गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है सब कुछ उ, उस एंगल पे चला जाता है और आप कंट्रोल में आ जाते हो हालांकि आपके पास कम आ रहा है लेकिन आपके पास ब्लैक मनी तो जनरेट नहीं हो रही ना दिस मीन्स दैट समझना इस चीज को दिस मीन्स दैट वेन एनआरआईज अर्न एन इनकम इन इंडिया

गोल्डन पासपोर्ट ले लिया ना ना उसने तो आपके बड़े बिजनेसमैन ने गोल्डन पासपोर्ट ले लिया है क्योंकि वहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है इसमें लिखा हुआ है कहीं पे no हाँ ये देखिए बच्चे थर्ड पॉइंट देखिए देर इज नो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन परचेज ऑफ कार्स ऑफिसर हाउस होल्ड इक्विपमेंट फॉर फॉरन इंप्लाइज तो वहां पर है ही नहीं खर्चा आप एक्चुअली अपनी कंपनी को ग्रो करा सकते हो ठीक है बच्चे तो आपको जो सवाल आएगा इसके ऊपर सिंपल सिंपल से आएंगे कि साइप्रस कॉन्फिडेंशियल क्या चीज है है ना किस चीज के ऊपर है वो याद रखना कि इट इज ऑन टैक्स अवॉइडेंस एंड वेल्थ कंसीलमेंट आपको और तरीके से भी ये बात कही जा सकती है तो पकड़ लेना बात सही यूपीएससी अगर पूछेगा तो इसको चेंज करेगा वो ठीक है जी हमने सारी बात टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर ही करी है इसके ऊपर इसके अंदर ना बच्चे कई टाइप के टैक्सीज हैं जो भी आपको नहीं पता होगा कैपिटल गेन्स टैक्स किसे बोलते हैं है ना इसकी डेफिनेशन देख लेना हाउ एक डॉक्यूमेंट आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे सुना होगा है ना इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टर्म्स आती हैं बहुत सारी लगभग 400 सो साढ़े चार सो टर्म्स होती हैं उसके अंदर तो उसमें से कोई एक आधी टर्म उठा के यूपीएससी पूछ लेता है कि वॉट डज दिस मीन और वो जनरली वो वाली टर्म होती है या तो जो नहीं होती है एकदम है ना य थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म होती है जिसका मतलब आपको प्राइमा फेस ही कुछ मतलब लग इमेजिन हो जाता है कि यार अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है लेकिन निकलता कुछ और है लास्ट में तो उस टाइप की टर्म्स हैं तो इसके अंदर वो वाले टैक्सेस के टर्म्स हैं है ना कैपिटल टैक्स किसे बोलते हैं ये देख लेना आप अपने आप अप. ये विद होल्डिंग टैक्स किसे कहा जाता है इसको रिटेंशन टैक्स भी बोलते हैं वैसे ये पेमेंट का रिसिपियंट आपके बिहाफ पे रख लेता है सरकार को देने के लिए उसे होल्डिंग टैक्स या रिटेंशन टैक्स कहा जाता है आइए बच्चे आगे चले आप लोग तो खैर नहीं पढ़ते होंगे वैसे पर वो ना क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि क्लास कैसी रहने वाली है आज की पढ़े थी अच्छा उसमें कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं तो आज वाली क्लास में मैंने लिखा था कि ये इकोनॉमिक्स हैवी क्लास है तो मेरे को तो लगा था बारिश भी हो रही है ऊपर से इकोनॉमिक्स हैवी क्लास है पर मैं तो बहुत ही खुश हुआ तुम लोगों को देख के कि यार ये बैठे हैं यहां पे फिर मैंने एक को टी शर्ट में घूमते देखा मैं कहा भाई डेडिकेशन है आइए बच्चे इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस इजी है ये इसको शॉर्ट में करते हैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं है दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे जिसका मुझे लग बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं सवाल आने के ये इट इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म कि अगर आप किसी भी एक्सचेंज पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो किसी भी एजेंसी के पास में अगर उनका सर्वर डाउन हो जाता है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो फॉर वट एवर रीजन उनका सर्वर डाउन हो गया तो दिस इज अ सेंट्रल सर्वर जिसको एक्सेस करके आप सारे वो ऑपरेशन कर सकते हो जो आप वहां कर रहे थे राइट right? और वॉलेंट्री चीज है ये है ना आप जब चाहो उसमें जा सकते हो जब चाहो उससे बाहर आ सकते हो पूरी पूरी एजेंसी उसके अंदर जा सकती है पूरी पूरी एजेंसी उससे बाहर आ सकती है इस सिस्टम से ये एक सिस्टम सेंट्रलिस सिस्टम डेवलप हुआ है ऑब्वियसली सरकार के पास में पैसा ज्यादा है बेटर सर्वर्स बना सकते जो नहीं डाउन होंगे है ना तो उसका उसका एक तरीका है और क्यों हुआ होगा ये सोच कर देखो एक बार कि अगर कोई सर्वर डाउन हो जाए उसके लिए एक सिस्टम क्यों बनाया होगा क्योंकि सर्वर डाउन हो रहे थे है ना तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई होगी पिछले कई सालों में है ना लिखा भी होगा यहाँ पे कहीं पे दे देखिए बच्चे फर्स्ट पॉइंट देखिए विल एक्ट एज अ सेफ्टी नेट आई आर डबल आर ए इज ए प्लेटफॉर्म एज अ सेफ्टी नेट फॉर इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस आपसे जो सवाल आएगा वो ऐसे ही आएगा कि मतलब किसने लॉन्च किया है या किसने बनाया है इस टाइप का सवाल आएगा लॉन्च से भी ने किया है एंड इफ यू सी पॉइंट नंबर थ्री बचे तो बी एस सी एन एस सी एनसीड एक्स विच इज नेशनल कमोडिटीज एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज एम सी एक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है ना एंड आपका एमएससी मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ठीक है इन्होंने ज्वाइंटली किए कितने हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है तो आप समझ रहे हो इसके ऊपर सवाल कैसे बनेगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा और आपका प्री बहुत पास है है ना ज्यादा दूर नहीं है तो मार लो बस इसी प्री तक रट्टा मारना है इसका इसके नेक्स्ट वाले में आपको मैं चाहता हूं ना ही दो आप वो वाला यही वाला निकल जाए इसी के बाद में आप जो चाह रहे हो वो मिल जाए तो पर आपको याद अभी तक रखना ही है आने वाले जो तीन पेपर है ना एच सी और आपका यूपीएससी इन तीन पेपर के लिए आपको रट्टा मारना है इसका कि मिलकर बनाया एच पी का मैं नाम लूंगा नहीं वो उन्हें भी नहीं पता जिन्होंने पेपर डालना है ना दे आर ऑल्सो अन अवेयर वो जिस दिन जोनसी सी किताब उनके सामने खुल जाएगी वो सवाल आ जाएगा ऊपर ऊपर से भाई देखा ये भी एक ऑब्जर्वेशन है वैसे एचपीएस का अगर आप पुराना पेपर उठा के देखोगे और फिर किताब उठाओगे तो पता नहीं क्यों आपको मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाले से सवाल आया हुआ होता है वो किताब खोलोगे और इस मतलब लेफ्ट हैंड साइड के पेज के नीचे सारे सवाल मतलब इतनी कितनी जल्दी है पेपर डालने की देख लो <laughs> जो मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग एम और ये क्या चीजें हैं ये शायद क्योंकि इकोनॉमी में भी नहीं पढ़ोगे हम इन तीन चीजों के बारे में लिख लेते हैं कि ये एक्सचेंजेस किन चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं है ना इनमें किस चीज की ट्रेडिंग होती है लिखिए बच्चे एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मैं डिटेल में नहीं लिखा रहा आपको ये बता दूंगा कि ट्रेड किस में कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है जैसे एमसीएक्स मतलब इट इज द फर्स्ट वन जो कमोडिटी एक्सचेंज लिस्ट हुई थी है ना चलो ऐसी ये लिख लेते हैं इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग सबकी ऑनलाइन ट्रेडिंग है बाय द वे फैसिलिटेट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स ऑफ कॉमोडिटी डेरिवेटिव लाइक गोल्ड सिर कॉपर जिंक लेड क्रूड ऑयल नेचुरल गैस निकल एल्यूमिनियम एक्सेट्रा कमोडिटी डेरीवेटिव का मतलब ये होता है जो कमोडिटी से डिराइव की हुई वैल्यू होती है है ना आपने कमोडिटी डेरिवेटिव के ऊपर उसके शेयर्स खरीद लिए आपने पैसा लगा दिया उस कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डेरिवेटिव का भी बढ़ जाएगा और आपका फायदा हो जाएगा उसके बाद आपने बेचना है कम करना है पर यह एक्चुअली रियल चीजों पर होगा राइट तो ही वी हैव नेक्स्ट एनसीडेक्स लिख लीजिए बच्चे नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ये 2003 में स्टेब्लिश हुआ था वैसे ब्रैकेट में लिख लो 2003 नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज डील्स प्राइमेरिल इन एग्रीकल्चरल कॉमोडिटीज ये इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर लेना विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज डेरिवेटिव प्राइमेली चार ऑप्शन दे, दे देंगे ठीक है वैसे आएगा सवाल इसमें डील्स प्राइमेरिली इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है ना आपको मतलब जूट हो गया कॉटन होगी है ना इस टाइप की चीजें कॉफी लास्ट इज नेशनल एनएमसीई ई नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पहले तो लिख लो एनएमसीई ई मर्ज विद इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज आई आईसीएक्स इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज आईसीएक्स इन 2017 एक तो ये फैक्ट है इसमें इट इन 2017 इट ऑफर्स contracts on oils and oil seeds coffee rubber and spices this is the third largest commodity exchange चले ये सुना होगा आपने रिसेंटली बैन हुआ है ये है ना कि आप हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं हमारे पार्ट पे दो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है ठीक है और इसके बैन से क्या होगा राइट कि क्यों हुआ है बैन बेसिकली अगर आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊं थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल तो uh, हलाल हैज़ नथिंग टू डू विद मीट राइट इट इट इज़ अ कल्चरल थिंग जो मेरे को समझ में आता है इससे है ना कि इट इज़ इट दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर परमिसिबल अंडर इस्लाम है ना एज सिंपल एज दैट सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद मीट स्पेसिफिकली टाइप ऑफ मीट इज़ कॉल्ड हलाल अदर अदरवाइज आपका वेजिटेरियन फूड इज़ ऑल्सो हलाल है ना तो हलाल सर्टिफिकेशन आपका इट इज़ वाइड आइए बच्चे देखिए इसके अंदर हलाल इज एन अरेबिक वर्ड दैट लूजली ट्रांसलेट्स टू परमिसिबल इन इंग्लिश पेज नंबर थ्री यार बारिश में तो हमें कम से कम छत पे लगानी चाहिए क्लासेस है ना मैं तो आती उनको सूरज सर को बोला था मैं कहा यार आपको ना सुबह मैं उठूँ और बारिश हो रही और मैसेज आना चाहिए कि आज इंस्टीट्यूट बंद है है ना अब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते और सुनाई दे रही है है ना आ, आप आप लोगों की uh, क्या बोलेंगे इसको कंसंट्रेशन को सलाम है मेरा <laughs> दे, देखिए बच्चे इसके अंदर हराम विच मींस फॉरबिडन है ना उसके कंट्रास्ट में हलाल यूज किया जाता है एनीथिंग दैट इज नॉट फॉरबिडन इज हलाल प्रॉब्लम इस केस में ये है इसको समझो थोड़ा सा ये समझ में आ गया आपको हलाल, हराम वाला सीन कोई कोई इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है बच इसका फोर्थ पॉइंट देखिए आप इट इज सिमिलर टू कशरत या कशरुत, डाइटरी रूल्स फॉलोड बाय जूस है ना जिसमें वो फूड को बोलते हैं कोशर फूड है या नहीं है ना सॉल्ट कोशर है या नहीं राइट सो so, इस टाइप के लॉ रूल्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं हलाल सर्टिफिकेशन बैन इसलिए हुई है क्योंकि सरकार नहीं कर रही थी आप नहीं कर सकते ऐसे केसेस के अंदर कंपनीज आप मतलब आप समझ रहे हो कि खुद से भी कर सकती हैं और वो है नहीं है हलाल लेकिन आपने लेबल कर दिया तो उस केस के ऊपर एफआईआर हुई थी कि जब आपके पास लॉ के अंदर कोई स्टेच्यूट नहीं है, है ना तो ये कंपनीज जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है सेल्फ सर्टिफिकेशन ही होगी है ना तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का कोई मतलब नहीं होता है जब तक कोई बेसिक लॉ ना हो राइट जैसे हम हम

हलाल इंडिया राइट जो कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स देती है राइट उस पर्टिकुलर कंपनी को कतर यू और ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है मलेशिया इन कंट्रीज ने इस कंपनी को रिकॉग्नाइज कर रखा है कि अगर यहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है तो दैट इज एक्चुअली हलाल तो ये नुकसान होगा इसका राइट लिख लीजिए बच्चे थोड़ा सा सिर्फ दो लाइनों में लिखते हैं प्रॉब्लम की है क्या नंबर वन लिखिए अब इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रेगुलेटर फॉर सर्टिफिकेशन मतलब एज यूपीएससीपायरेंट आपसे जिस लेवल पे बात पूछी जाएगी ना बच्चे तो वो ये है कि हलाल अगर वो सर्टिफिकेशन बैन हुई है क्यों हुई है उसका कारण ये है जो भी आपको मैं लिखवा रहा हूं इंडिया डज नॉट ऑफिशियल रेगुलेटर फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ हलाल प्रोडक्ट्स इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी स्प्रिंग अप हो रही है जो कि बोल रही है कि हम हलाल सर्टिफिकेशन देंगे उसका सीधा सीधा मत, मतलब काम होएगा कि अगर तो मुस्लिम कम्युनिटी में उस कंपनी की तरफ ट्रस्ट है तो सही है नहीं है तो नहीं है राइट पर सर्टिफिकेशन का अपने आप अप कोई मतलब नहीं है बिकॉज इट इज नॉट बैग्ड बाई एनी लॉ एनी स्टेच्यूट इसकी एरोडाल छोटा सा ना इसके साथ में दिटिमेसी Of the certificates lies in their name recognition among Muslim consumers. <coughs> Excuse me. और बाय द वे हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ इसे खाने पीने उस चीज़ों में नहीं होती है मेडिसन्स के अंदर भी होती है राइट और ये कोई बहुत यूनिक चीज़ नहीं है कि यार एक पर्टिकुलर फूड आइटम को कोई रिलीजन अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है सारे रिलीजन में ये चीज़ है कुछ कुछ चीज़ें अलाउड होती हैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं नवरात्रे में आप ही के घर वाले थोड़ा सा हिल जाते होंगे कि अब नहीं खाना पे आज और वो राइट सो इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं ये मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है कि रिलीजन का बाय प्रोडक्ट है जब आप फेथ ही रख लेते हो किसी चीज़ के अंदर है ना सवाल नहीं करना फेथ रखो तो कुछ कुछ बाय प्रोडक्ट स्प्रिंग अप होंगे उससे ताकि यू you नो know, वो फेथ एक्चुअली काम करे राइट right? नुकसान नहीं करता फेथ फायदा ही करता है है ना बट बाय प्रोडक्ट्स उसके जरूर है कुछ कुछ आपसे ऐसी चीज करवा देगा वो जो आपका लॉजिक आपको उसके अगेंस्ट जाने को बोलेगा फिर <coughs> राइट right? जैसे जैसे द इवन सिंपल थॉट्स कैन मेक यू थिंक वो वेरी वेरी सिंपल थॉट्स कि यू एवरीबडी नोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड इफ आई आस्क यू कैन यू बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम इमीजिएटली गर्दने घूम गए आई कैन टेल यू येस यू कैन बी आप उस समय के आपको रेपरकशन दिखाई दे रहे होते हैं बस कि अभी मेरा नुकसान हो जाएगा इससे दोस्ती टूट जाएगी वट इफ आई टेल यू कि यार अगर आपको इससे झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है दोस्ती रखने लायक ही नहीं है एज सिंपल एज दैट अभी के लिए आपको लग रहा है कि अरे अकेला पड़ जाऊंगा स्लैश पड़ जाऊंगी है ना बट लॉन्ग रन में ठीक ही रहता है मतलब इट्स बिन थ्री फोर ईयर्स जब से मैंने ये वाला फॉर्मूला अपनाया है ठीक कटती है जिंदगी मतलब इट्स ओके okay. मजा ही आता है अगर किसी को परेशानी है ना इस चीज में तो मैं बता रहा हूँ कि नो no डाउट आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होगा बट देट इज हाईली फंक्शनल गुड है आपके ब्रेन स्पेस बढ़ेगी जिस समय पे आपने झूठ कंस्ट्रक्ट करना था आप एक्चुअली नेचर देख रहे होंगे है ना कि उसको ये बोल दूंगा उसको वो बोल दूंगा ऐसे वाला सिंपल so आइडियाज <coughs> एक और चीज लिख लीजिए बच्चे हलाल इंडिया कंपनीज सर्टिफिकेशन ये आपके लिए ट्रिविया है बस ये जो अब लिख रहे हैं ना हम ये सिर्फ आपका दिमाग घुमाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं ये इसका कोई पर्पस नहीं है और थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करोगे आप इस पूरे बैन को उस चीज से वही मकसद है मेरा अभी कि टिको ना इस थॉट पे कि बैन ठीक हुआ है नहीं हुआ है सवाल सुनना पहले हलाल इंडिया कंपनी सर्टिफिकेशन इज रिकोगनाइज बाय लिस्ट में लेते हैं नंबर वन कतर कतर के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने माना हुआ इसको क्यू ए टी ए आर कतर यू ए मलेशिया ठीक है इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने जो जो भी रेलिवेंट है उन्होंने इसको मान्यता दी हुई है है ना एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू आपका फूड हलाल सर्टिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू फूड इट इज इट सब्स्यूम्स क्लोदिंग है ना इट आपका सब्स्यूमसन पैकेजिंग मेटीरियल है ना एनिमल फीड वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, है ना एवरीथिंग ठीक है बच्चे सिंपल इनफ थोड़ा सा क्लियर हुआ मुद्दा क्या चल रहा है आइए बच्चे कॉन्स-कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज़ इज़ इन इन कुरान कुरान उसको अप्लाई करने के लॉज को ये कहा जाता है हाँ इवन आपके सूफिज्म में भी अब अब लाइक सूफीज तो हर किसी को मानते हैं हर किसी को नहीं मानते उनका अलग सीन है राइट उनकी भी दो कैटेगरीज होती हैं है ना बाशरा एंड बेशरा वन हु बिलीव इन शरा एंड वन डज नॉट बिलीव इन शराइट जैसे औरंगजेब ने जिनको सपोर्ट किया था जिन सूफी बा शरा शरा मोस्टली जो जिस इलाके में हम लोग हैं अभी यहाँ पे आपको बेशरही बे देखने को मिलते हैं इफ यू गो बियॉन्ड यमुना तो वहाँ पे आपको बाशराह वाले देखने को मिले हैं जितने भी पुराने सूफी सेंट्स हैं <coughs> जस्ट अगेन एक ऑब्जर्वेशन आइए बच्चे ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है हाँ जैसे यूपीआई है ना क्या मतलब आप समझ रहे हो कि एक एक लाइन लिख लो स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ये क्या चीज है वो देखते हैं अभी ये बेसिकली रिपोजिटरी है कि नॉलेज ट्रांसफर करेंगे कि सुनो हमें पता है हमसे सीखो डिजिटल सिस्टम्स दैट प्रोवाइड ये हम डीपीआई की बात कर रहे हैं डीपीआई आर डिजिटल सिस्टम्स दैट प्रोवाइड लार्ज स्केल सर्विसेज टू सोसाइटी डिजिटली अब जो अच्छा वो उठ के चला गया जो इन्होंने पॉइंट बोला था इंक्लूजन वाला है ना वो यहां पे रेलिवेंट होता है कि वो एक्चुअली आपका जो है जब इट दीज काइंड ऑफ सिस्टम दे प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन राइट तो वो मकसद है यहां पे आइए बच्चे आगे देखते हैं इंडिया की सक्सेस स्टोरी तो आपको पता ही है दो मेजर मेजर बता दो मेरे को फटाफट डी पी आई इंडिया का कोई भी दो बता दो आधार हो गया एक तो और क्यू पी आई हो गया है ना इसके अलावा और भी बहुत है वैसे हमारे पास डिजी लॉकर है हमारे पास हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप थी हमारे पास कोविन ऐप और एक वो यार वो क्या आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर जो वो आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनता है राइट ये सारा आपका डी के अंडर फॉल करता है अब हमारे पास इंडिया ने क्योंकि इस लेवल पर कर दिया जैसे एक ना छोटा सा फैक्ट था मेरे पास इस साल मई के अंदर आ, यूपीआई की नाइन बिलियन ट्रांजेक्शन हुई थी चौदह लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन सिर्फ यूपीआई के थ्रू राइट और मई में, में यह हुआ और हमने नवंबर में आके इसको वर्ल्ड को बोल दिया कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स में आगे जाना चाहते हो एंड इट इज़ वेरी टाइमली मूव कि आप डिजिटल पेमेंट में आगे जाना चाहते हो वी हैव दी रिपोजिटरी अगर आप इसमें देखेंगे बच्चे सेकंड पॉइंट इट्स प्राइमरी एम इज टू ब्रिज द नॉलेज गैप इन द चॉइसिस एंड मेथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन डिप्लॉय कंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस ठीक है ये एक रिसोर्स हब की तरह बात करेगा कि अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी कंट्री कोई भी जूरिस्टिक्शन है ना कोई भी टेरिटरी इसको अप्लाई करना चाह रही है वो इससे ले लो आके जो हमारी जी डी पी आई है रिपोजिटरी रिपोजिटरी समझते हो जहां पे सारी लाइब्रेरी होगी एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है सारी हाउ वहीं पे इकट्ठी होगी है जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, है ना क्या क्या बिजनेस करोगे आप रुको आपसे बिजनेस करवाते हैं कोई बारिश हो रही है चाय पकौड़े का बिजनेस करना है है ना और साथ में मोमोज भी लगाने हैं आपने तो यू नीड टू नो है ना कि आपको ऑयल आप कौन सा सही रहेगा है ना कढ़ाई कौन सी सही रहेगी यू नीड टू नो कि किस लोकेशन पे पार्किंग भी अच्छी होनी चाहिए है ना किस टाइप के कस्टमर को कैटर कर रहे हो आपने डेली वेज वर्कर्स को कैटर करना है जो कि बल्क में आपसे लेके जाएंगे या फिर आप कम बेच के ज़्यादा मतलब यू नो यू नीड टू नो ईच एंड एवरी थिंग चाय पत्ती कौन सी सही रहेगी है ना दूध कहाँ से सोर्स करना है क्योंकि नॉर्मल दुकान वाला नहीं देगा आपको इतने सारे पैकेट दूध के है ना उसके कस्टमर्स बंधे हुए हैं तो यू नीड टू सोर्स इट फ्रॉम समवेयर है ना तो यू नीड अ टेक्निकल नो हो या तो चाचे से पूछोगे आप अपने जो कि आपको जो पता होगा मेरी तरह वो बता देगा या फिर यू विल एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यह क्या है सो so इन सारी चीजों को शॉर्ट करने के लिए वी हैव अ रिपोजिटरी अगर आप यूपीआई पी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो अपनी कंट्री के अंदर इस वेबसाइट पर आके देख लो इस रिपोजिटरी पर आके देख लो राइट एज सिंपल एज दैट नेक्स्ट इसमें देखिए बच्चे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है इसके अलावा बाय द वे ये जी ट्वेंटी के बाद हुआ है थोड़ा टाइम लाइन को ध्यान रखिए पहले जी ट्वेंटी हुआ सारी कंट्री वो देखा था ना वो अगर वो चीकू खरीदने आया था दिल्ली में और वो खुश था कि यार यहाँ तो ठेले वाले के पास भी यूपीआई है

जी ट्वेंटी हुआ ये सब शोकेस किया गया एंड देन वी हैव दिपोजिट्री है ना नाव वी आर लॉन्चिंग दी रिपोजिट्री इससे पहले हमने एमओ यू साइन किए थे यहाँ पे एग्जाम्पल्स uh, गिवन है बच्चे हमने पढ़े भी हैं दो तीन एग्जाम्पल आईपीपी उसका था ना यू ए का था यूपीआई आई पी पी हमने श्रीलंका के साथ किया है हमने भूटान के साथ में किया है राइट तो इन सब के बाद में वी हैव द ग्लोबल रिपोजिट्री की अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी को भी डीपीआई करना है है ना आधार कार्ड टाइप सिस्टम बनाना है कुछ भी करना है तो वी आर जो उसको सिखाएगा प्लस इस चीज को और करने के लिए वी वी हैव एफ सोशल इम्पैक्ट फंड 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 विल फाइनेंशियली सपोर्ट कंट्रीज डेवलपिंग डी पैसा नहीं है वो भी हम देंगे किधर को जा रही है बात सारी थोड़ा सोच के देखिए सॉफ्ट पावर यस विश्व गुरु <laughs> हा नाइस nice. वे देर वॉज एक डेक्लेन भी थी जी जी ट्वेंटी में ना आपकी डी पी आई के ऊपर ही डिजिटल इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो लिखे जरा एक बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जी ट्वेंटी की एक डेक्लरेशन में एक स्टेटमेंट आई थी जी ट्वेंटी डेक्लरेशन ऑन डी पी आई क्योंकि जी ट्वेंटी की डेक्लरेशन आई है तो मतलब थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग होगी ऐसे नहीं देंगे वो डेक्लरेशन फोकस एरियाज ऐसे लिखो इसको फोकस एरियाज दो डॉट्स लगा लीजिए फोकस एरिया कॉल सेफ्टी सिक्योरिटी रिजिलियंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी आपको लगता है कि रिक्शे वाले को कन्विंस करना कि आप पेमेंट आपकी बैंक में जाएगी आपने नोट लेना वो आसान बात थी सोच के देखो एक बार ये मतलब कोई छोटी चीज़ नहीं है ये रिपोजिटरी ऐसे ही नहीं बना दी गई है आप लोग तो डील करते ही हो बाहर जाके एक छोटी दुकान जिसने लगाई हुई है जो नहीं पढ़ा लिखा है ना उसको ये चीज़ बोलना कि आपके पास कैश नहीं आएगा आपको वो ही दिखाएगा जी बस आपके खाते में चला जाएगा सीधा तो ये चीज कन्विंस करना और इस लेवल पे वो उसको पेनिट्रेट करवाना दैट इज नॉट एन इजी टास्क राइट और इसके सेकेंड uh, इसमें लिख लीजिए आप एआई गवर्नेंस कि ए अगर आ रहा है तो उसकी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा वो भी डीपीआई से रिलेटेड ही है सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ये तीन चीजें मेरे को रेलिवेंट लगी थी कि आज की क्लास के लिए लास्ट इज ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेसी ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेसी और ह्यूमन राइट्स एंड प्रिवेसी के अंदर वैसे सब कुछ आ रहा है इट इंक्लूड्स आपका आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स राइट और आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स और डेटा प्राइवेसी एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर डीपीआई लिख लो एक बार आप दो तो आपको पता ही है लेट मी गिव यू डेटा लिख लेते हैं साथ साथ उसके थोड़ी क्रेडिबिलिटी आएगी आपके आंसर्स में सर्विसेज है ना डीपीआई सर्विसेज उसके बारे में लिखते हैं नंबर वन आधार आधार इंडियन रेजिडेंट को मिलता है बच्चे इंडियन सिटीजन शिप नहीं है आधार का मतलब है ना इंडियन रेजिडेंट्स हैं उनका आधार कार्ड बनता है सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है वो आपका वोटर कार्ड और आपका पासपोर्ट है ठीक है तो ये भी आपका सवाल बन सकता है कई बार फील होता है ऐसा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप तो उसमें वो तीन चार डॉक्यू लिख के दे देंगे वो पासपोर्ट वोटर कार्ड आधार कार्ड और ये वाला है ना कि इनमें से कौन कौन से आपके सिटीजन होने का प्रमाण है तो आधार कार्ड सिटीजन होने का प्रमाण नहीं है ना थोड़ा याद रखना इस चीज को 1.35 बिलियन एनरोल्ड ये सक्सेस लिख रहे हैं बेसिकली हम डीपीआई की 1.35 बिलियन एनरोल्ड ये नवंबर 2022 का डाटा नया आया नहीं है अभी नेक्स्ट इज यूपीआई 11 बिलियन ट्रांजैक्शंस, अप्रॉक्सीमेटली 11 बिलियन ट्रांजैक्शंस वर्थ 16 सिक्सटीन लैख करोड़ इन अगस्त 2023 ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा ये है नेक्स्ट इज कोविन सीओ डैशन कोविन ये कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन थी ये कोविन यूज करी थी आपने हाँ जीनियस एप्लीकेशन आपने सारा आपका सर्टिफिकेट वहीं है 2.2 बिलियन वैक्सीन डोजेज ये जनवरी 2023 का डाटा है एबीडीएम क्रिकेटर का नाम लग रहा है वैसे ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फोर फिफ्टी आई फोर फिफ्टी मिलियन आई डी और अरे सितंबर का डेट है ये जो कंपाइल करके लाया हूँ बस यही पढ़ना है आपको डीपीआई के लिए ना इंडिया के ऊपर बस इससे ऊपर एग्जांपल्स है नहीं और इसको अगर जितना भी एक दो भी याद रहते हैं तो इट्स गुड ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इससे बाहर डिजी लॉकर एक वो लिख लो वन सेवेंटी टू मिलियन यूजर्स विथ 5.62 बिलियन डॉक्यूमेंट्स 6.2 बिलियन डॉक्यूमेंट्स है ना ये जून का डेटा है चले आगे गैप रिपोर्ट की फिर से आ गई है इसको हम लगभग लग बहुत मतलब दो साल से तो पढ़ते आ रहे हैं है ना एंड रिपोर्ट इज स्टिल देर और सेम ही वही है कि बैंड बजी हुई है जी अभी भी और है भी ऐसा है ना और इंडिविजुअली देखते हैं कि हर एक जो इसने फैक्टर्स दिए हुए कि पर कैपिटल टेरिटोरियल एमिशन गैप एंड एनडीसी इसके अंदर क्या गैप है बस वो समझना है ऊपर ऊपर से प्री के अंदर जो आपको बेसिक एच और पी सी एस वगैरह में और एच पी एस का जो सवाल आएगा दैट इज आपका कि एमिशन गैप रिपोर्ट देता कौन है है ना दैट इज आपका यू और एनुअल रिपोर्ट है ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप ईयरली रिव्यू क्या चीज़ है ये गिव्स द डिफरेंस बिटवीन वेयर ग्रीन हाउस इमिशन आर प्रडिक्टेड टू बी इन 2030 थर्टी दे रही है वो तो इसके अंदर ये रिपोर्ट देखने में इजी लगती है ऊपर ऊपर से रेपिटेटिव लगती है लगती है यूएनईपी का नाम बहुत बार आता है पढ़ लीजिए एक बार खुद से पढ़िए इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है ये दो काम कर रहा है इसका मतलब ये वो पहले प्रिडिक्शन कर रहा है और सेकंड लाइन के अंदर मैंने आपको वो भी लिख के दे दिया इसके अंदर कि पेरिस एग्रीमेंट की लिमिट क्या है हालांकि अब तो याद होगी होगी आपको है ना पर जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ठीक रहेगा वहां अगर वो मतलब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना खासकर यूपीएससी की उनकी ऐसी सी चीज के अंदर आदत है वो टू और वन पॉइंट फाइव को इंटरचेंज कर देंगे ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा सेंटेंस है ना लॉजिकली गलत हो जाएगा तो थोड़ा सा केयरफुल रहना अभी आपके लिए ये चीज समझनी आसान है लेकिन जब प्रेशर होता है सौ क्वेश्चन का है ना जिसमें से तीस ही करके बैठे होते हो आप और एक घंटा निकल गया होता है है ना जब लगता है कि दुनिया बिखर जाएगी उस समय ये चीज का ध्यान रखना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इंपॉर्टेंट है देख लीजिए उसको एक बार आइए बच्चे इनकी मेजर इनसाइट देखते हैं तो ये बोल रहे कि 86 डेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर हायर देन एवरेज एक्सीडिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड ग्लोबली सितंबर वाज़ दी हॉटेस्ट मंथ लिखना लिख लो साइड पे सितंबर वाज़ दी हॉटेस्ट मंथ नेक्स्ट इज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंक्रीज बाय पॉइंट टू परसेंट ह्यूज इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी 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 टू रीचिंग न्यू रिकॉर्ड ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर गीगर टर्स ऑफ सी ओ टू इक्वेलेंट है ना ये जी टी सी ओ टू ये वो ही मतलब होता जी ये बच्चा यहाँ पे एक और फैक्ट लिख लो फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल कंबस्टन And industrial processes contributed to two thirds of the overall exchange increase, two thirds of the overall increase. पर कैपिटल टेरिटोरियल एमिशंस पर कैपिटा क्या होगा मतलब पर पर्सन राइट तो यहां पे लिखा हुआ है वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कंट्रीज लेटेस्ट राइट अबाउट साइड पे एरो डाल के लिख लीजिए बच्चे लिख आप रशिया एंड यूएसए मोर देन डबल वर्ल्ड एवरेज इंडिया अंडर हाफ वर्ल्ड एवरेज से हाफ बाय भाई ये पर कैपिटा इसमें आपको समझ के लेवल पे बता रहा हूं मैं पर कैपिटा कैपिटाइमिशन ना आपकी ग्रोथ को भी दिखाता है ये आपके पास कितना पैसा है राइट right? तो आपको जो कंट्रीज में आपको पर कैपिटा इमिशन देखने को ज्यादा मिलती हैं आप ये देखोगे कि उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है है ना लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा है इसीलिए जो वो वाली कंट्रीज इनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट आई है या चल रही है अभी या आई ही नहीं है तो वो लोग थोड़ा सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना थोड़ा सा पीछे रखते हैं है ना कि हम पहले एक लेवल अचीव कर लें दैट इज वाई इंडिया ने जो नेट जीरो का टारगेट रखा है वो क्या रखा है 2070 पहले क्या था वो थे थे थे। हाँ तो 20 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं उसको वो इसीलिए दिया गया है कि प्लीज़ डू नॉट डिक्टेट अस ऑन एनवायरमेंट राइट नाउ कि आप लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है आपकी पर कैपिटा एमिशन वर्ल्ड एवरेज से दो गुना से ज़्यादा है राइट और हमारी हाफ से कम है है ना तो अभी वी नीड टू अचीव अ हाइएस्ट लेवल है ना एक पीक बजता है पहले तो पीक के लिए जो एन होते हैं बेसिकली वो पीक के लिए ही होते हैं कि आप किसी भी चीज़ का पीक कब करने वाले हो राइट right? कि बेस्ट वो होगा uh, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप में कोई कमी हो जिसको आप दूर करना चाह रहे हो तो पीक डेट डिसाइड कर सकते हो आप है ना इमिडिएटली कुछ भी क्विट करने का सोचोगे या तो नहीं होता है ना यू जस्ट डिसाइड पीक टाइम पीक डेट एंड उसके बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा राइट right? आगे देखते हैं बच्चे बाकी ये दो तीन पॉइंट सिंपल है बच्चे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लिख लीजिए लिख लीजिए मेजर फंक्शंस, मेजर कन्वेंशन लिख लीजिए तो अंडर यू एन ये लास्ट टाइम भी थोड़ा सा मेरे को फील हुआ था कि बार बार हर एक कन्वेंशन के अंदर ये याद रखना कि किसके अंडर है यूएनईपी के अंडर है नहीं रादर देन हम एक ही बार में लिख लें कि यूएनईपी के अंडर कन्वेंशन कौन कौन सी हैं मेरे को बताओ कि कौन कौन सी हैं वैसे जो जो दिमाग में आ रही हैं कन्वेंशन है ना जिसे हमने लास्ट टाइम एक बताया तो मैं थोड़ा याद आ जाएगा उस साइट हमने किया था वो इसमें नहीं है बचे दूसरी एजेंसी कराती है साइट्स की टाइप में ना आपने पढ़ी हुई है सारी करी हुई है आपने एक एक मैंने और बता दी ना आप लाइन लगा दोगे बाकी सबकी इट्स अ प्रोटोकॉल कन्वेंशन की बात हो रही है यू एफ से तो अलग से है ना बच्चे? जो कन्वेंशन होती है बेसिकली अच्छा मुझे वो बता दो आप कि ट्रांस बाउंड्री हजारडियस वेस्ट को अवॉइड करने के लिए कौन सी कन्वेंशन है मतलब अगर किसी के ऊपर हजारडियस वेस्ट गिरता है यस रोटर डैम कन्वेंशन अब अब लाइन लगा दोगे तुम और कौन कौन सी कन्वेंशन याद है हां स्टॉकहोम रोटरडैम, बेजिल राइट लिख लीजिए वियना, तेहरान लिख लीजिए ये मेजर कन्वेंशन अंडर यूएनईपी और जोन सी नहीं पता होगी वो पढ़ लेना इन्वायरमेंट में बच्चे जब आप स्टैटिक पढ़ते हो ना तो हम सारी कन्वेंशन नहीं पढ़ते हैं और पेपर में जाके टेडी मेडी से आई होती है हमें लगता है पता नहीं पूछी का लिया इसने तो कभी देखा ही नहीं क्योंकि हमने ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं पढ़ा होता मीना माटा। मीना माटा मरकरी के लिए साइट्स सी आई टी एस कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज बेजिल बेजिल कन्वेंशन सब आगे कन्वेंशन वर्ड लगेगा बेजिल कन्वेंशन स्टॉकहोम होम रोटरडैम सी एम एस कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज तेहरान कन्वेंशन आपने मॉन्ट्रियल बोला था हाँ हाँ वो इसी में तो है करोगे एक बार रिसर्च देखना यार जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है तो आई थिंक एक मॉन्ट्रियल और एक और एक और uh, प्रोटोकॉल है आपका नहीं वो तो है वो uh, मतलब यूएन ई के अंडर है है यूनिपी हाँ ग्रेट थैंक यू लिख लो यार और स्टार कर लेना इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कन्वेंशन लिख ली सी एम एस तेहरान कन्वेंशन तेहरान कन्वेंशन बमाको कन्वेंशन बी ए एम ए के ओ कारपैथियन सी ए आर पी ए टी एच आई ए एन अरमान उसका भी देखना है यार क्योटो प्रोटोकॉल देखना है क्या इसमें वो शायद नहीं है लास्ट इज सीसी क्लाइमेट हाँ ठीक है जी ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यूएन ईपी के अंडर है और दूसरे वाला कौन सा बोला हमने क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपका यूएनएफसीसी के अंडर है ये आपका प्री का बहुत बड़ा काम सॉर्ट हुआ है अभी अभी शायद आपको रियलाइज नहीं हो रहा है सीसीएसी ए सी मैं एक बारी लिस्ट रिपीट कर देता हूं स्टार्टिंग विद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मिस हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मिन माटा बच्चे एक और लिख लीजिए आप यूनाइटेड नेशन यूएन सीबीडीए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यू एन सीबीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये रट्टा मार लेना नाउ लेट मी रिपीट मीनामाटा सीबीडी साइट्स बेजिल स्टॉकहोम रॉटरडैम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना, सी एम एस कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज, नेक्स्ट वी हैव तेहरान बामाको कारपैथियन एंड सीसीएसी ठीक है जी याद रखना ये सब कुछ और आई थिंक आपने सारे पढ़ रखे होंगे लेकिन ये तेहरान बामाको कारपैथियन ये आपके लिए नया होगा है ना सीसीए सी हमने ए क्यू आई के अंडर पढ़ रखा है कुछ कुछ है ना वहां से हमने डिराइव किया था कि क्या होती है एयर क्वालिटी किनको पोल्यूटेंट मानना है किनको नहीं मानना है ठीक है तो जो जो नया है आपके लिए वो पढ़ लेना और जो नया है ना जो नहीं पढ़े हुए इन्हीं के ऊपर से सवाल आएगा चलें आगे सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलेवेंस के साथ सवाल आ जाएं अगर सवाल आ गया इसमें से यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया who is preparing for the same examination right now let me tell you about the current affairs master course 2024 is course ke andar aapko basically teen cheeze milti hain jiske through aapka jo current affairs hai wo puri tarah sorted ho jayega for your pre mains as well as your interview number one, you get weekly lectures जो कि offline या फिर online format में live आपको मिलेगा uh, क्या फर्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर दैट इज कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनी नेक्स्ट यू गेट वीकली पी जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है राइट ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट यू गेट वीकली टेस्ट जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके राइट दिस इज़ द त्रिशूल मॉडल अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो अगर आपने सोच लिया है इफ़ वी हैव इट, वी कैन डू इट जिद से जीत तक